हेलो माय स्टूडेंट्स, हेलो माय व्यूअर्स, लर्न विद फैयोचे के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज के इस वीडियो में हम डेडिकेटेड किया गया है एसएससी के बच्चों के लिए, और इसमें जो सबसे टफ टॉपिक में से एक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें भी स्पेसिफिकली एक्सरसाइज 6.1 जो कि एसएससी के स्टेट बोर्ड की बुक में है उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम जनरल लाइन की बात करें तो अगर बच्चा सीबीएसई में है, अगर आप सीबीएसई में हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे आपको प्रूफ गेट करने में काफी आसानी होगी, ठीक है। और जो बच्चे एसएससी में हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा रीजन है कि सर ने जो अनसॉल्व एग्जाम्पल्स है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताया है और ट्रिक्स भी डिस्कस की है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। हेलो माय स्टूडेंट्स, हेलो माय व्यूअर्स, तो अभी हम क्लास फोर के लिए आ चुके और अब हम करेंगे आगे के एग्जांपल्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा फिफ्थ एग्जांपल बच्चे लोग, और इस वीडियो का पहला एग्जांपल है। यहाँ पे हमें दिया है कि अगर टैन थीटा का वैल्यू 1 है और ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन डेटा है उसको लिखेंगे। गिवन डेटा इज tan theta is equal to 1। अब आपको ऐसा एक एंगल देखना है tan के अंदर जिसका वैल्यू ऑलरेडी 1 है। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। tan 45 डिग्री ये कितना होता है बच्चे लोग, 1 होता है। ये मैं कहाँ से मिलेगा, टेबल से मिलेगा। टेबल मैंने आपको पहले पढ़ाया हूँ, अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे टेबल देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखिए तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसका यूज करेंगे और हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो tan 45 1 है, इसका मतलब देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan 45। तो इससे क्या समझ में आया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हम ये समझ में आएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, ये थीटा का वैल्यू उठा के उस टेबल में डालना, आंसर निकालना, काम खत्म, सिंपल। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये क्या बनेगा, थिंक ऑफ इट, क्या बनेगा, सेक 45 कॉस 45, साइन 45 कॉस 45, सेक 45 कोसेक 45, ये बन जाएगा। तो यहां पर आएगा साइन 45 प्लस कॉस 45 डिवाइडेड बाय sec 45 प्लस cosec 45। तो अब यहाँ पे हमको सारी वैल्यूज जो टेबल से मिल जाएगी, हमें सारे वैल्यूज कहाँ से मिल जाएगी, टेबल से। sin 45 1 अपॉन रूट 2, cos 45 भी 1 अपॉन रूट 2। उसके बाद में आपको sec 45 ये होता है एग्जैक्टली रूट 2, इसको मैं तो अपॉन 1 ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए, और कोसेक 45 भी होता है रूट 2 अपॉन 1। तो अब ऊपर की दोनों वैल्यू सेम है, नीचे की दोनों वैल्यू सेम है, बराबर है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, और ये बन जाएगा 2 इंटू रूट 2 अपॉन 1। आई होप समझ में आया आपको कि जो सेम वैल्यू अगर ऐड होती है तो डबल हो जाता है, वही कंटेंट ऊपर भी है, वही चीज़ नीचे भी है। तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 अपॉन रूट 2 द होल डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 अपॉन 1। तो अब इसके आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिनोमिनेटर को उठा के ऊपर लेके जाएंगे, मतलब ये जो चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी। तो क्या बनेगा, ये 2 अपॉन रूट 2 पहले का वैसा ही है, एंड दिस विल बी 1 अपॉन 2 रूट 2। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो 1 नीचे था वो ऊपर चला गया, जो 2 रूट 2 ऊपर था वो नीचे रह गया। इसके बाद में 2 एंड 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर आएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, दैट इज 1 अपॉन 2, वेरी सिंपल, ओके। अगर आप लोगों को डिफिकल्ट लगा होगा तो प्लीज एक बार वापस से देखो वीडियो को पीछे से, डेफिनेटली आपको कंटेंट समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट एग्जांपल, और अभी का जो एग्जांपल हम करेंगे ये है प्रूफ डैट। और प्रूफ डैट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे सारे बच्चों को फॉर्मूलाज पहले से याद हो, अगर कुछ लोगों को नहीं याद है तो मैं काम करूंगा, मैं फॉर्मूलाज का जो लिस्ट है
आपको पेज पे लिख के रखूंगा ताकि आप लोगों को सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो। चलो शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल। सो माय स्टूडेंट्स, ये हमारा अगला एग्जाम्पल है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो प्रूफ करना है। तो अभी आपको वीडियो के इंटरफेस में दिखाई देगा कि जो लेफ्ट पेज है वो हमने नोट्स के लिए रखे, और राइट साइड में जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो हमें काम आने वाले हैं वो हमने पहले से लिख के रखे। देखिए अगर आप यहाँ पे, तो हमारे पास तीन आइडेंटिटी लिख के रखा हुआ है, ओके। उसके बाद में टैन का बेसिक फंडामेंटल रिलेशनशिप लिखा हुआ है, कॉट का लिखा हुआ है, और तीनों की तीनों जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है वो भी लिखा हुआ है। ये हमें कभी भी इस्तेमाल में आ सकता है, तो ये सब हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए, ओके। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, लेट्स स्टार्ट टू प्रूव दिस। पहला एग्जाम्पल आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहां पे अगर हम एलसीएम लेंगे, अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो इससे मल्टीप्लाई होगा, तब यहां पर स्टेटमेंट कैसा बनेगा, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा डिवाइडेड बाय कॉस टीटा। आई होप समझ में आया आपको ये। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा क्या होता है बच्चे लोग, आपको यहाँ पे देख के समझ में आना चाहिए कि ये होता है 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एकदम आसान है, एकदम इजी है। अब आप सोच के देखो कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज सेक थीटा, और सेक का रेसिप्रोकल वो है कॉस थीटा। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा बच्चे लोग, सेक थीटा। और यही तो मुझे प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड आ गया आंसर। एकदम आसान एग्जाम्पल था, और आपके सिलेबस में ना भले आप स्टेट बोर्ड से हो सीबीएसई से हो यही रहने वाला है, ठीक है। यू मस्ट नो टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज, बेसिक फंडामेंटल ऑफ टैन एंड कॉट एंड रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज, ये अच्छे से इस्तेमाल करने आना चाहिए, ठीक है। तो चलो अगला एग्जाम्पल लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को 1 प्रूफ करना है। सो माई लेफ्ट हैंड साइड विल बी कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको अगर दिखाई दे तो फॉर्मूला नंबर 2 दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो क्या लिखा है आपको, सेक्स स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक्स स्क्वायर थीटा। मैं बात कर रहा हूं इसको, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको इससे मैच करके देखो, ओके आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब आपको अगली बार कॉस स्क्वायर और सेक्स स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो सोचना है, करेक्ट। नंबर 7, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, और जो बच गया दैट इज 1, और यही है क्या मेरा राइट हैंड साइड। समझ में आया आप लोग को, ठीक है, वेल एंड गुड। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। सो माय स्टूडेंट्स, ये है एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल करेंगे, फिर वीडियो को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे आपको रूट में दिया है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सो यहाँ पे आपने रूट में दिया है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एक बात दिमाग में बिठा लो, और वो ये है कि अगर आपको कभी भी रूट वाला कॉन्सेप्ट दिखाई दे तो सिर्फ क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। बिकॉज ज्यादा करके जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमें रूट को हटाना है, वी हैव टू एलिमिनेट द रूट। और रूट कैसे हटेगा, रूट हटेगा सिर्फ स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या, आप डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैं क्या इसका मतलब डीप में समझाता हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे, आई रिपीट, ऊपर और नीचे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस साइन थीटा से। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेट। क्या कहते हैं इसे बच्चे लोग, कॉन्जुगेट। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो बीच का साइन दिख रहा है जिसकी बात कर रहा है वो है ये, बराबर है, ये साइन दिखाई दे रही है, इसका ऑपोजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। और जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना वो नीचे भी करो कि ऊपर भी करो ताकि वैल्यू चेंज नहीं हो। अब इससे क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे
1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम सेम टर्म है तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर एडिशन होता तो डबल हो जाता, मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चे लोग, बराबर ध्यान देना, यहाँ पे बहुत फोकस लगता है, प्लीज सी हियर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेर ए इज वन एंड बी इज साइन थीटा, ए इज वन बी इज साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब हमें इस फॉर्मूला पे बहुत ध्यान देना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन है, जो कि फॉर्मूला में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, याद होना चाहिए। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर जो है इट इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो, दिखाई दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी रूट ऑफ वन माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है। अब इससे क्या होगा, ये कंबाइन हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा द होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर और रूट कैंसल, आपस में कैंसल, तो जो बच गया दैट इज वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब हम सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इन सबका फंडामेंटल पता है कि वन अपॉन कॉस जो है वो सेक होता है बाय फॉर्मूला नंबर 7, एंड साइन अपॉन कॉस जो है वो टैन होता है बाय फॉर्मूला नंबर 4। तो यहाँ पे आंसर में आएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और ये बन गया मेरा राइट हैंड साइड, आ गया मेरा आंसर, सिंपल। तो चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो नॉर्मल स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ एग्जाम्पल एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो। सो अभी यहाँ पे दिया है sec theta माइनस cos theta और cot theta प्लस tan theta, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को साइन और cos इसमें कन्वर्ट करो, काम आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। तो जो sec है ये बनेगा वन अपॉन cos theta, और जो cos है वो तो cos ही रहेगा, बराबर है। और दूसरा है cot theta, तो इसका फॉर्मूला है cos theta डिवाइडेड बाय sin theta, और जो tan है इसका फॉर्मूला है sin theta अपॉन cos theta। तो ये मैंने कहाँ से उठाया, आपको सब मालूम पड़ गया, फॉर्मूला नंबर 4 इस्तेमाल किया, 5 इस्तेमाल किया और 7 का इस्तेमाल किया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल्जेब्राइकली, और वो ये है कि आप यहाँ पे LCM करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, एक जगह में LCM लेना, दिखाई दे रहा है LCM होने वाला है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ए को डी से बी को सी से, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इससे हमारी काफी एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा, जो पहले आपको दिखाई दे रहा है वन माइनस कॉस स्क्वायर वो क्या बनेगा, करेक्ट, वो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या बनेगा, फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज वन, तो हमारा आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इससे क्या होगा, यहां होगा कैंसिलेशन, ये स्क्वायर और ये साइन कट गया, तो जो बच गया हम धीरे धीरे आंसर की तरफ बढ़ गए। तो ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां तो खाली कॉस बचा है अपॉन में, अपॉन में, तो इधर आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो बोलो क्या आंसर है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, होता है टैन थीटा इंटू सेक थीटा, और ये बन गया मेरा RHS, करेक्ट। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, और आने वाले अगले वीडियोस में हम आगे के एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे।